वेलकम वंस अगेन बच्चों, क्लास 10 मैथमेटिक्स और ये है चैप्टर नंबर 2। बच्चों चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर हम फिनिश कर चुके हैं और अच्छी बात ये रही कि सारी एक्सरसाइज सॉल्यूशन देने के बाद हम लोगों ने लास्ट में मिसलिनियस क्वेश्चन एमसीक्यू और कुछ बिल्कुल 2023 के पैटर्न लेटेस्ट क्वेश्चन, थोड़े बहुत डिफिकल्ट भी थे, उन चैलेंज क्वेश्चन को उसमें लिया और आपके साथ शेयर किया। इसी तरह से ये चैप्टर भी आप फिनिश करने के बाद हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस या आप कह लीजिए 2023 के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के साथ लास्ट में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी रखेंगे विद सॉल्यूशन, तो उसमें आपको बहुत एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो अब चलते हैं बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर क्लास चैप्टर 2 यानी पॉलीनोमियल। तो ये इंट्रोडक्शन है बच्चों, तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल बिल्कुल नहीं दी जाएगी, बस बहुत आसान चैप्टर है, आसानी से इसको समझ में आपको आ जाएगा बच्चों। तो इस इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं एक बार इनकी झलकियाँ ले लेते हैं बच्चों। तो ये चार टॉपिक रहेंगे बच्चों, यहाँ पहला रहेगा पॉलीनोमियल एंड टर्म्स के बीच में रिलेशन, यानी कि वो क्या है एक्चुअली। दूसरा स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स, एक्चुअली पॉलीनोमियल्स के टाइप्स भी होते हैं और किस कंडीशंस में होते हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे। फिर थर्ड रहेगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। फिर चौथा रिलेशनशिप, जीरोस और कोफिशियंट के बीच में क्या फर्क होता है, क्या उसका रिलेशन है। तो ये चार टॉपिक को यहाँ पर कवर करते हैं। तो चलिए जल्दी से मूव करते हैं बेटा पहले टॉपिक पर, और ये है हमारा व्हाट इज पॉलीनोमियल। बहुत सिंपल है, पॉली मीन्स मैनी, दैट मीन्स बहुत सारा, और नोमियल्स मीन्स टर्म्स, यानी कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। अब ये टर्म्स क्या होते हैं किस तरह से, इसको भी यहाँ पर हम समझ लेंगे। डेफिनेशन आप कहें तो आप देख सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी, इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स एंड रेस टू द नॉन नेगेटिव इंटरवल एक्सपोनेंट्स इज कॉल्ड पॉलीनोमियल। यानी कि जो एक्सप्रेशंस हैं बच्चों, उनकी जो एक्सपोनेंट्स है, पावर है, दैट शुड नॉट बी नेगेटिव, दिस इज द मैंडेटरी थिंग्स। जो भी एक्सप्रेशन है एक्स वाई फॉर्म में हो, उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है, और एक रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं ए एक्स एन, उसके बाद बी एक्स एन माइनस वन, सी एक्स एन माइनस टू, यानी कोई भी पावर ले सकते हैं, उसमें सब ये पॉलीनोमियल में आ जाते हैं, सिवाय एन की नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। तो चलिए यहाँ से भी हम जंप कर लेते हैं, बहुत सिंपल, इसमें कुछ खास करने को था ही नहीं। चलिए अब आती है बारी बच्चों यहाँ, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। देखा जाए तो बच्चों बिल्कुल कुछ नहीं है, एक कोई भी इक्वेशन आपने लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ बच्चों, यहाँ आपके सामने एक इक्वेशन है, राइट। इक्वेशन को मैं थोड़ा सा इस पर वाइट कलर चूज कर लेता हूँ, एक सेकेंड बच्चों, या अब ये इक्वेशन आपको दी गई है बच्चों, राइट। अब इसको हम एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं, पॉलीनोमियल्स भी बोलते हैं, राइट। इस पॉलीनोमियल में जो भी एक वेरिएबल होगा, अच्छा वेरिएबल क्या होता है बच्चों, जो इक्वेशन के अंदर ए बी सी डी से लेकर जेड अल्फाबेट लिखा होगा वो उसका वेरिएबल्स होते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे एक्स एक्स ही दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स इस इक्वेशन में एक्स वेरिएबल्स है। तो अब एक्स जो वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम पावर को डिग्री कहा जाता है बच्चों। तो अब देखो x की पावर 2 है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है बच्चों, दूसरा x की पावर 5 है, तीसरा x की पावर 4 है, और चौथे में x है ही नहीं। तो यहाँ मैक्सिमम पावर ऑफ x कितनी है बच्चों, ऑफ कोर्स ये है आपकी x 5। सो दैट्स व्हाई द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 5, दैट्स इट, सिंपल बच्चों, एक्सपोनेंट मींस पावर, क्लियर। तो आई होप ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें एक मैं एक सवाल ऐड कर देता हूँ थोड़ी आप, ताकि आपको एक्सरसाइज हो जाए कुछ नई चीज़ देखने को। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स लेट से 7x माइनस 2, राइट। अगर ये एक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, ये तो आप बता ही दोगे बच्चों, इसके अंदर डिग्री बताएं मेरे को, जल्दी से मुझे बताएं व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ऑफकोर्स आपको पता है, बिल्कुल कहा सही आपने, एक्स की पावर 1, दैट्स इट, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे इस तरह से को लेट से एनी द एक्सप्रेशन विच इज 4, अब इसकी डिग्री मुझे बताएं बच्चों, व्हाट इज द डिग्री ऑफ 4। अब आप कहेंगे बच सर यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई, यहाँ तो एक्स वाई ही नहीं है, यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री तो होनी नहीं चाहिए। नहीं बेटे, डिग्री है, वो भी एक नंबर में होगा, यानी इसके अंदर एक्स वाई नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक एनी वेरिएबल एक्स या वाई या जेड विद रेज टू पावर 0,
राइट। और एनी रेस टू पावर जीरो इज व्हाट? बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, एनी रेस टू पावर जीरो इज व्हाट? जल्दी से बताएं बच्चा पार्टी। ऑफ कोर्स बेटा वन। इसलिए मैं क्या मैं इस फोर को फोर इंटू वन नहीं लिख सकता था? सर लिख सकते थे आप, फोर इंटू वन भी तो वन होता है। तो वन की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स रेस टू पावर जीरो, तो व्हाट डज फर्क नहीं पड़ा ना बच्चों। इसलिए यहां कह सकते हैं एक्स की पावर जीरो है, इसलिए इसकी डिग्री जीरो होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? दैट्स इट, जीरो तो हो गया। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं बच्चों, व्हाट इज द डिग्री ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म, राइट? अगर किसी कांस्टेंट टर्म है, कोई कांस्टेंट टर्म है, तो उसकी डिग्री कितनी होती है? तो कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं बेटा? जिसमें वेरिएबल्स ना हो, राइट? इस सिचुएशन में ये फोर क्या था? विदाउट वेरिएबल का था, इसको हम कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं। तो क्लियर बच्चों, कांस्टेंट टर्म क्या है और कांस्टेंट टर्म की उसकी डिग्री क्या होती है, ये भी हमने सीख लिया। ऑफ कोर्स जीरो होती है। चलिए बच्चों, अब ये हो गया फिनिश। अब आया थोड़ा इंटरेस्टिंग बच्चों, स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल के जो टाइप्स हैं बेटा वो दो होते हैं, राइट? तो पहला जो होगा वो टर्म के बेस पर होगा, राइट, और दूसरा होगा वो डिग्री के बेस पर। अच्छा बच्चों, टर्म क्या चीज होती है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं बेटा। यहाँ पर टर्म होता है, टर्म मीन्स अगर कोई 4x 3x वेरिएबल वगैरह कुछ भी लिखा हुआ है, उसके जस्ट बाद प्लस या माइनस आ जाता है, तो इसका मतलब होता है बच्चों ये फर्स्ट टर्म, प्लस आते ही सेकंड टर्म चालू, राइट, फिर माइनस आ गया तो थर्ड टर्म चालू। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटे। तो टर्म मीन्स प्लस माइनस के बाद दूसरा टर्म स्टार्ट हो जाता है। सो इन दिस केस हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 3, बिल्कुल सही बच्चों। अब अगला ये ले लेते हैं सपोज, यहां पर भी तो यहां कितने टर्म है? 1 2 3 4, दैट्स इट। अभी मुझे इतना ही बताना था कि टर्म एक्चुअली क्या चीज होती है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि टर्म के बेस पर पॉलीनोमियल कैसे होते हैं या कितने होते हैं। तो सामने आपको दिखाई दे रहा बच्चों, पॉलीनोमियल जो होते हैं टर्म के बेसिस पे, वो तीन टाइप्स के होते हैं। तो पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, ऑफ कोर्स ये बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। बहुत आसान है बेटा। अब आपको टर्म के बेस में बोला, रिमेंबर बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने टर्म के बेस में बोला है तो मैं सिर्फ टर्म ही ढूंढूंगा। तो मुझे एक एग्जांपल दिखाई दे रहा बच्चों, यहाँ पर 4x, तो इसके अंदर टर्म कितने? बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, एक। सर आप इस वाले में जरा चेक करके बताएं। देखो बेटा, अब मैं दूसरे एग्जांपल की तरफ देखता हूँ, इस तरफ जाता हूँ, तो यहाँ पर कितने टर्म है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यस, यहाँ देखिए बेटा, ये इसमें टर्म कौन सा? एक है 4x, दूसरा है वाई, तो दो टर्म्स हैं। अब इस तरफ चलते हैं भाई, देखो 4x एंड वाई एंड 5, माइनस प्लस बीच में आ रहा है बेटा, इसमें तीन टर्म है बस। अब आपकी कहानी खत्म। अब आपको पूछा जा रहा है मोनोमियल कितना क्या होता है बेटा। मोनोमियल वो होते हैं जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए। तो ये सारे एग्जांपल देखो बेटा, आपको एक ही टर्म के दिखाई देने। पहला मैंने एग्जांपल 4x के लिया, उसमें एक ही टर्म है, दूसरा भी मैंने लिया उसमें भी एक टर्म है। अब जो 6 लिखा है उसमें वेरिएबल नहीं है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर इसको भी एक टर्म ही बोला जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, राइट। तो अब ले लेते हैं यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल 4x - y, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं। दूसरा एग्जाम्पल 3y + 2z, इसमें भी दो टर्म्स हैं। इसका मतलब ये बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या होता है बच्चों? इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर टू, एग्जैक्टली टू, देन दिस एक्सप्रेशन विल बी नोन एज बाइनोमियल। सिंपल बेटा। अब जब तीन टर्म हो जाएंगी तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो ये तो था बहुत आसान, अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था बेटा। चलिए अब दूसरा लेते हैं कंडीशन पॉलीनोमियल की, जो बेस्ड है डिग्री पर। और डिग्री बच्चों क्या होता है, अगर आपको नहीं समझ में आता डिग्री क्या होता है या कुछ पता ना हो किसी बच्चे को, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। देखो बच्चों, डिग्री का मतलब होता है पावर, रिमेंबर, और पावर का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट भी बोलते हैं बच्चों। और इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको एक इक्वेशन दिखाता हूँ, 4x + 3, इसमें x की पावर कितनी है? 1। दूसरी राइट साइड में क्वेश्चन देखें, 4x 1x² दैट मींस 2 पावर, 4x³ 3 पावर, एंड 1 की नहीं है तो 1 पावर। इसको बोलते हैं बेटा एक्चुअली एक्सपोनेंट्स। तो सभी एक्सप्रेशन की अलग अलग पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं।
अब एक एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर 4x plus 3। इस एक्सप्रेशन में x की मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों? 1 है, राइट। जिसकी जिस भी एक्सप्रेशन की इक्वेशन की अगर मैक्सिमम पावर 1 होगी तो उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। बस सिंपल। अब यहां पर आप दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं बच्चों, 3y-6, यहां पर भी मैक्सिमम पावर y की कितनी है? 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, राइट। चलिए अब इसी तरह से क्वाड्रेटिक पे ले लेते हैं बेटे। क्वाड्रेटिक क्या है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है बच्चों जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी कि जिसकी डिग्री 2 हो। अब इस वाले इक्वेशन में देखते हैं, x 1 है, x 2 है, तो मैक्सिमम यहां पर 2 है, दैट मींस डिग्री 2 है, तो इसका क्या कहलाएगा बेटा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से बच्चों अगर किसी भी, ये एग्जांपल तीसरा लेता हूं, इसमें मैक्सिमम पावर आपको 3 दिखाई दे रही है बेटा, तो ये 3 क्या हो गई? मैक्सिमम पावर, इसका मतलब ये डिग्री होती है बेटा। तो इस 3 डिग्री जिस भी एक्सप्रेशन की होगी उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो बहुत सिंपल था बेटा, समझ में आ गया होगा आप। और अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ, राइट, अगर मैं आपसे कहूँ क्या 4 एक कॉन्स्टेंट टर्म है, अब मुझे बताइए ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, राइट। अब बिल्कुल अभी मैंने समझाया था ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसमें वेरिएबल ही नहीं है। जब वेरिएबल नहीं है तो हम क्या कहेंगे? यस, वो लीनियर क्या क्वाड्रेटिक कुछ भी नहीं है बेटा, दिस इज सिंपली कॉन्स्टेंट टर्म, उसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, राइट। एक्चुअली वो डिफिनेशन क्यों जरूरत पड़ती है अब इसमें हम नहीं जाएंगे बेटा, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को पकड़ते हैं, विच इज आल्सो इंटरेस्टिंग बेटा। ये क्या है यहाँ पर? ये है जीरोस। अब जीरोस और पॉलिनोमियल में हमें ना एक चीज कंफ्यूज होती है, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा बेटा। अब आपको पहले तो ये समझना होगा जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है बेटा, राइट। हालांकि ये सवाल करेंगे तब हम समझ लेंगे अच्छे से, यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल हल्के से समझाऊंगा। देखो जो भी एक इक्वेशन होती है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ जल्दी से, यहाँ पर ये एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलिए एक्स या और प्लस 7 लिख दिया मैंने, राइट। दिस इज एनी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है, राइट। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो कौन सी एक्स की वैल्यू पुट करें यहाँ पर कि वो इसको जीरो कर दे? अगर मैं यहाँ पर -7 लिख देता हूँ तो ये -7 और +7 क्या हो जाएंगे बेटे? जीरो देंगे। तो व्हाट डज इट मीन? यानी कि एक्स की वैल्यू -7 रखने पर इसको ये जीरो बना देता है। तो माइनस क्या है? हीरो है, वो इसका हीरो है जो इसको जीरो कर रहा है। इसका मतलब एक्स यानी कि -7 इज द जीरो, हीरो की जगह आप जीरो बोल सकते हैं। तो वो उसको जीरो करता है, इसलिए उसका नाम जीरो रख दिया है। एक्चुअली जीरो नहीं है बेटा, एक्चुअली क्या है कि ये वैल्यू है, जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशन में वेरिएबल होगा उसकी वैल्यूज को हम बोलते हैं जीरो। एक्चुअली कंफ्यूज यहाँ पर बच्चे ये हो जाएंगे कि सबकी अब जीरो है तो जीरो ही होना चाहिए ना? नहीं बेटा, एक्स का जीरो का मतलब ये नहीं है, इसका सिर्फ इतना मतलब है वो माइंड में रखना एक्स की वैल्यू। तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो कुछ भी आ सकती है, जीरो आए, 1 आए, -2 आए, फ्रैक्शन में आए, वो वैल्यू होती है उसकी जीरो कही जाती है। तो आपको माइंड में रखना है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज एक्चुअली द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। अब सवाल ये आता है कि अगर किसी इक्वेशन की वो कितनी वैल्यू निकल सकती है बेटा किसी इक्वेशन में, वो डिपेंड करेगा किस चीज पर। अगर वो लीनियर है, अगर इक्वेशन आपके पास कुछ भी दी हुई है, अगर वो लीनियर फॉर्म में, जैसे मैंने बताया जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है, जिसकी डिग्री 1 है, तो उसके जीरो सिर्फ 1 ही होंगे, राइट। जैसे कि मैं एग्जांपल बोलता हूँ, ये पिछला हमने देखा था ये लीनियर वाला था ना, तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे? 1 निकलेंगे बेटा। और जो क्वाड्रेटिक है उसमें डिग्री कितनी है? 2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें एक्स की वैल्यू आएगी 2। इसी तरह से बेटे थर्ड अगर एग्जांपल क्यूबिक पॉलिनोमियल का लेते हैं, इस पे मैक्सिमम पावर 3 है यानी कि डिग्री 3 है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी निकलने वाली है बच्चों? वो 3 निकलने वाली है। आई होप यहाँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जीरो का मतलब क्या है बेटे, विच इज वेरी वेरी मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, कन्फ्यूजन नहीं होना जीरो और वैल्यूज के अंदर। चलिए अब हमें समझ में आ गया सर, लीनियर इक्वेशन है तो उसके जीरो 1 होंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगे, क्यूबिक है तो 3 होंगे, और जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी उसकी वैल्यू होती है। चलिए ये भी हमें समझ में आ गया। अब सवाल ये है अलग कि अगर आपको ग्राफ दिया जाए
और आपसे पूछा जाए अब इस ग्राफ को देख करके बताएं कि यहाँ पर जीरो कितने होंगे, यानी यहाँ पर वेरिएबल जो भी हो एक्स वाई जेड उसकी जो भी वैल्यूज निकलेंगी वो कितनी निकलेंगी, या एक या दो या तीन या चार या उससे भी ज़्यादा। तो उसका सिंपल सा आंसर है, यहाँ कोई बातें काम नहीं आने वाली है बेटा, यहाँ आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि ग्राफ को देखें और एक्स एक्सिस को देखें, वाई को बिल्कुल ना छुए बेटा। मैं यहाँ पे हाईलाइट करके बताता हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस नीचे मैंने हाईलाइट कर दिया बेटा। अब यहाँ पर कोई भी आपको लाइन दी है या कोई भी कर्व दिया है वो अगर यहाँ पर काटता हुआ नीचे आता है, जैसे ही उसने एक्स को छुआ वहाँ वो एक पॉइंट बन जाएगा बेटा, और उस पॉइंट को हम कहेंगे ये इसकी वैल्यू है। मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, वन सेकेंड बच्चों। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे टू पे इसने काटा है माइनस टू पर, एक्चुअली ये इसका जीरो है या एक्स की वेव वैल्यू है, एक वैल्यू निकल आई। अब क्या यही लाइन आगे जाकर फिर दोबारा एक्स एक्सिस को काट रही है? नहीं काट रही सर, काट तो रही है, ये देखो ना यहाँ पर वाई को, लेकिन वाई को काट रही है। तो बच्चों वाई एक्सिस को अगर काटती है तो आपको नहीं सोचना इसके बारे में, आपने सिर्फ इतना देखना है कि इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है। तो हमने देखा ऊपर से लाइन आई सीधी चली गई, उसके बाद कहीं भी टर्न नहीं हो रही है, तो एक ही जगह काटेगी बेटा, सिर्फ एक से ज़्यादा तभी काट सकती है जब वो कर्व हो। तो स्ट्रेट लाइन तो एक ही जगह काटेगी, उसको बैंड होना पड़ेगा, तो वो स्ट्रेट लाइन कैसी रही, राइट? तो स्ट्रेट लाइन कैन गिव यू ओनली वन सॉल्यूशन, दैट मीन्स द ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए अब दो जीरो का मतलब क्या है, अब सिंपल सी बात है, जब एक्स एक्सिस को दो जगह काटेगी, ना कम ना ज्यादा, राइट? तो चलिए भाई एक्सिस देख लेते हैं कौन सी, ये रही एक्सिस। अब एक्सिस को दिखाई दे रहा है, एक तो बच्चों यहां पे कट रहा है और एक यहां पे कट रहा है, तो इसकी दो वैल्यू होंगी यानी कि दो जीरो निकलेंगे। अब दो जीरो निकलेंगे सर, आप एक कंफ्यूजन तो है, इसने वाई से भी काटा, वाई भी कट रहा है और एक्स भी कट रहा है, ऐसी सिचुएशन ओरिजिन में आ सकती है, वहीं आती है ओरिजिन में, राइट? क्या इसको हम बोलेंगे नहीं तो वाई को काट रहे इसको काउंट ना करें? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जब कोई लाइन या कोई भी कर्व अगर एक्स एक्सिस को काटता है उसके साथ साथ वो वाई जेड जिस मर्जी को भी काटे, मगर एक्स को तो काटा ना, उसके अलावा वो जिसके साथ भी खेले, अगर वो फुटबॉल जानता है तो प्लेयर है कि नहीं, फुटबॉलर तो है, क्रिकेट भी जानता है तो अच्छी बात है, फुटबॉलर तो माना जाएगा या हटा दूं? नहीं माना जाएगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं फुटबॉल जानता हूँ क्रिकेट भी जानता हूँ तो इस वजह से आप क्रिकेट भी नहीं जानते हो तो फुटबॉल से भी हटो, ऐसा नहीं होगा, राइट? तो चलिए दो पॉइंट है, दो जीरो है। अब जीरो थ्री निकालनी है यानी कि उसकी एक्स की वैल्यू तीन अगर निकालनी होगी तो उसके लिए आपको क्या होने चाहिए बच्चों, एक्स एक्सिस पर तीन बार इस कर्व को काटना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ बेटा, एक बार तो यह तीन पे कट रहा है, एक बार ये वन से पहले कट रहा है, और दूसरी बार ये ऊपर वाई है, यहाँ नहीं जाना है, मैं हाथ नहीं लगाना है यहाँ पर। अब देखते हैं एक्स एक्सिस भी यहाँ माइनस वन और जीरो के बीच में भी इसने काटा है, इट मीन्स तीन जगह यहाँ पर इंटरसेक्टिंग करती हुई ये लाइन जा रही है यानी कर्व जा रहा है, और इसका मतलब हुआ इसकी तीन जीरोस होंगे। बहुत सिंपल था ना बच्चों, बहुत मुश्किल था ही नहीं, ऑफ कोर्स बेटा, लेकिन किसी बच्चों को शायद कंफ्यूज हो, पर मैंने अच्छे से समझा दिया है। चलिए अब एक यहाँ पे एक्सरसाइज कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है बेटा। चलिए अब मुझे बताओ बेटा इस वाले का जल्दी से, एक जीरो दो जीरो तीन जीरो, पहले वाले में कितने जीरो है जल्दी से बताओ बच्चों, राइट? अब ये स्ट्रेट लाइन है, मैंने बोला था ना स्ट्रेट लाइन कैन गिव यू ओनली वन जीरो, दिस इज यू कैन सी हेल टू है। अब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लाइन तो होगा नहीं बेटे, स्ट्रेट का मतलब स्ट्रेट ही है, वो एक से ज्यादा वो काट ही नहीं सकता, ठीक है, क्लियर हो गया? वाई को काटा इसे मत ले लेना बच्चों, यस। चलिए अब दो की तरफ चलते हैं, ये कर्व है, अब कर्व ने इसको एक यहाँ और एक यहाँ काटा है, अब इसलिए इसके भी दो जीरोस होंगे, वाई भी काट रहा है बच्चों, वाई मत ले लेना, राइट? चलिए तीन जीरोस, क्या इसके भी तीन है या नहीं देखते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, बिल्कुल सही है, ये भी तीन है। अब मुझे बताओ जो लास्ट में मैंने ग्राफ बनाया इसके कितने जीरोस हैं, जल्दी से कमेंट करें जल्दी बच्चों, हो गया आंसर? चलो अब मैं बताता हूं, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं, तो इसका मतलब हुआ इफ द लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस दे कांट गिव यू एनी जीरो। और आप कहें सर ऐसा भी तो हो सकता है, लाइक दिस ग्राफ आगे नहीं जा रहा है,
लेकिन अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये लाइन आगे जाके काटेगी। बस एज पर द पिक्चर शोन यू कैन से दैट एट द मोमेंट दिस लाइन इज नॉट कटिंग नॉट इंटरसेप्टिंग द एक्सेस दैट्स व्हाई ये लाइन क्या आपको जीरो नहीं देगी। चलिए ये भी हमें समझ में आ गया सर। अब अगला टॉपिक लेते हैं बच्चों, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। अब क्या चीज है बेटा, इसको अगर हमें समझना है तो एक चीज समझनी पड़ेगी और वो है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं बेटा, वो भी मैंने आपके स्क्रीन पे बिल्कुल आसानी से लिख दिया, बहुत आसान भी है। तो कोफिशिएंट को समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले बच्चों कोफिशिएंट का मतलब है बेटा, अगर जो भी इस एक्सप्रेशन के अंदर, जैसे मैंने आपसे पूछा को फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कुछ नहीं है बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ कौन से लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप देखो एक्स स्क्वायर ढूंढते हैं भाई, ये गया मैं एक्स स्क्वायर के पास, तो इसके पास कौन जुड़ा हुआ है बच्चों, ए जुड़ा हुआ है ना, तो बस ए इसका कोफिशिएंट हो गया। अब आपसे कहता हूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स को ढूंढो भाई जल्दी से, एक्स कहां पर है, यहां पर है। तो अब यहां पर एक्स के साथ कौन जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है, तो बी इसका कोफिशिएंट हो गया। अब यहां पर जो सी एक ऐसा है जिसके साथ वेरिएबल ही नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, दैट्स इट। हालांकि यहां पर एक्स जीरो भी सपोज किया जा सकता है, तो आप ऐसे भी पूछ लेगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो, तो आपको कांस्टेंट वाली वैल्यू उठा के लिख देनी है एज इट इज, ये सवाल भी आ सकता है बेटा। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब हुआ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो, एक्स रेस टू पावर जीरो पूछेगा तो आपको सी लिखना होगा, याद रखना सी मेरा मतलब कांस्टेंट, जहां पर वेरिएबल किसी भी फॉर्म में हो सकता है 2x 3x y plus 4 लाइक दैट, तो आप 4 उठा के लिख देना बच्चों। आई होप कोफिशिएंट तो हमें क्लियर हो गया राइट। अब नंबर ऑफ जीरोस, सॉरी सम ऑफ जीरोस का क्या मतलब होता है। अब कोई एक्सप्रेशन आपके सामने है बच्चों, मैं एग्जांपल देता हूं, लेट्स सी एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर हम एक इक्वेशन लेते हैं 2x राइट एंड स्क्वायर ले लेते हैं, चलिए माइनस 3x राइट, और एक और ले लेते हैं भाई 4। ये मेरे सामने एक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है बेटे, या यू कैन से पॉलिनोमियल है। अब इसमें जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम a बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होती है बेटा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो a कहलाएगा, और जो b, जो x का कोफिशिएंट होगा वो b, और जो किसी के साथ बिना वेरिएबल का है वो c हो जाएगा। चलिए अब एक ना स्टेटमेंट, जो फार्मूला है, एक्चुअली दिस इज अ फार्मूला यू कैन से, अगर किसी यो, ये नॉर्मल आपकी इक्वेशन है ठीक है ना, इसकी कोई तो वैल्यू होगी। अब इसकी वैल्यूज कितनी होगी, यानी इसके जीरोस कितने होंगे, मैंने अभी बताया था ना बच्चों कि इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी x की वैल्यू भी 2 निकलने वाली है राइट। अगर इसकी कोई भी वैल्यू निकलेगी, 4 एक वैल्यू और दूसरी मान लो 5 है, तो दो वैल्यू 4 और अगर 5 है, तो मैं एग्जांपल 4 और 5 लेता हूं, तो अगर मैंने उसको सम किया 4 प्लस 7 किया तो मेरा कितना आया 11। तो अगर मैं दूसरे फॉर्मूले से मैं क्रॉस चेक करूं, जैसे कि ये फार्मूला बता रहा है, ये फार्मूला इसके लिए क्या बता रहा है बच्चों, कि यहाँ बी क्या है बच्चों, यहाँ बी है -3, तो यह माइनस पहले से, और -3 मैं यहाँ पर पहले से लिख दूंगा राइट। अपोन में मुझे लेना आप ए, तो ए क्या है बेटा यहाँ पर, ये जा रहा है सामने आपके 2, तो इसके नीचे लिखा जाएगा 2। अब इसको मैं माइनस माइनस कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरे पास निकल करके आता है 3/2 बेटा। अब मुझे बताओ ये जो वैल्यू निकल के आई है 3/2, ये कैसे निकल के आई है, ये फॉर्मूले से, यानी कि द सम ऑफ एनी टू, सम ऑफ टू जीरोस इज ऑलवेज इक्वल टू -b/a। तो फॉर्मूले से जो वैल्यू निकल के आती है वो 3/2 निकल करके आ रही है, और हमने जो डायरेक्टली जो हमें जीरो निकाले, हमने एक्स की जो वैल्यू निकाली 4 और 7, अगर इनको ऐड करते हैं तो इनको जो ऐड करने पर या फिर माइनस करने पर वो भी 3/2 ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने ये रेंडमली लिया है तो इसलिए ये अलग आ रहा है। लेकिन जब इसमें आप सॉल्व करोगे, निकालोगे इसकी वैल्यू, इसको कैसे हम पढ़ेंगे आगे, तो बेटा उसकी वैल्यू बिल्कुल ये 3/2 ही आनी चाहिए, तो वो सही होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत। ठीक है बच्चों, ये कैसे होगा ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम।
राइट। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई करता हूँ यानी कि 4 × 7 करता हूँ तो 28 कुछ आंसर आपका निकल कर आ जाएगा बच्चा, राइट बिल्कुल सही है सर। अब यहाँ से फार्मूला लगाता हूँ उससे भी निकालेंगे। फार्मूला कहता है मल्टीप्लाई मत करो, आप सी की वैल्यू कितनी है वो आप यहाँ से देखो, सी की वैल्यू देखते हुए ये रहा 4 और 2 की ए कितना है बच्चों, ए ये रहा मैंने अभी बताया था, ए नीचे आ गया 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है 2, यानी कि उन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए। ये इसके फार्मूले से हमें पता चलता है, जब वहाँ डायरेक्ट 4 और 7 को मैंने मल्टीप्लाई किया 28 आया, इसका मतलब उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 2 ही मिलना चाहिए। ये इसकी कहानी है कि हम एक कोफिशेंट को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं उनके जीरोस के साथ। तो ये सवाल करेंगे तो बहुत अच्छे से तभी समझ में आएगा, यहाँ पर इतनी बात को एक्सप्लेन करके समझाना अभी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है बच्चों, अभी इतना काफ़ी है। जब सवाल करेंगे अगर उसमें समझ में नहीं आया तो हम बैठे हैं, हो ही नहीं सकता मैं समझाऊं और आपको समझ में ना आए। तो जो भी वीक बच्चे बच्चों खासकर से उनको बड़े आसानी से उनको भी आपको समझ में आ जाएगा, बस ये आपको ध्यान देना है, अभी इतना ही काफ़ी है। चलिए तो ये था आज आपके सामने बच्चों कि किस तरह से आपका ये एक पॉलीनोमियल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल बहुत छोटा कर दिया इस बार, तो नए पैटर्न के हिसाब से बहुत मुश्किलात आपको नहीं आने वाली और सवाल तो मक्खन की तरह हो जाएंगे। तो अगले वीडियो में शुरू करेंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। मगर फिर नहीं बोलना बच्चों, जैसे ही चैप्टर पॉलीनोमियल का खत्म होता है तो हमें रेडी रहना है टफ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, जिसमें थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन भी आपके सामने आने वाले हैं, उसमें आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कौन कितने पानी में है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 2 पॉलीनोमियल के, राइट।